संन्यास अध्यक्ष महत नित्य गोपाल दास के 21वीं जन्म उत्सव समारोह के अंतिम दिन विराट संत सम्मेलन हुआ। इस खास मौके पर देश भर से संत आए थे। विश्वास जताया है कि एक वर्ष के अंदर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। संतों ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आने के बाद हिंदू तत्व की आस्था का मंदिर मजबूत हुआ है। संतों ने भरोसा जताया है कि पीएम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक वर्ष के भीतर अयोध्या आएंगे। संत धर्माचार्य ने नेपाल से आए श्री कृष्णदास को नेपाल राष्ट्र के रामानंदाचार्य के रूप में मान्यता दी और प्रमाण पत्र सौंपा। संतों ने कहा अब इन्हें जग गुरु रामानंदाचार्य रामकृष्णाचार्य के नाम से जाना जाएगा और वह नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 6 दिसंबर निर्णायक स्थिति का दर्शन। संत सम्मेलन में जग गुरु रामानंदाचार्य रामा भट्टाचार्य ने दावा किया है कि अगले 6 दिसंबर को किसी निर्णायक परिस्थिति का दर्शन होगा। उन्होंने कहा कि अगली बार संन्यास लक्ष्य के धर्मोत्सव समारोह के पहले मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। अभी मिली ताजा खबर के मुताबिक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे रामलाल के दर्शन के लिए आज अयोध्या पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर वह फिर से नए अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान उद्धव ठाकरे रामलाल के दर्शन के साथ पूजा अर्चना भी करेंगे। बताया है कि लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे का यह पहला अयोध्या दौरा है। इससे पहले वो पिछले वर्ष नवंबर में अयोध्या पहुंचे थे। खुद उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि संसदों का सूत्र शुरू होने से पहले तमाम संसदों के साथ अयोध्या का दौरा करेंगे। बता देते हैं कि सोमवार से संसद का सूत्र शुरू हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने साफ किया है कि अयोध्या के दौरे को राजनीतिक दौरे के तौर पर नहीं देखना चाहिए, यह महज धर्म और आस्था से जुड़ा दौरा है। आपको बता दे कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।